डर लग रहा है जमीन के अंदर अंदर से जा रहे हैं अब हम। देखो सो अच्छा लगा भाइयों आपसे बात करके। कीप एंजॉय कीप रॉकिंग है ना बाय। यहाँ के मंदिर जो रख रखाव यहाँ का देखते हैं। ये देखो कितने सारे मंकी रखे। वाओ दावत तो नहीं इनकी गई आज। वो तुम दोगे ना लाख। हाँ वो कितना अच्छा व्यू आ रहा है यहाँ से। इतनी अच्छी ग्रीनरी है यहाँ पे। पहाड़ क्या ये टनल से गुजरेंगे अब यहाँ जाने वाले हैं। वाओ ये कैसी टनल है। स्वाति फर्स्ट टाइम जा रही है टनल के अंदर। डर लग रहा है जमीन के अंदर अंदर से जा रहे हैं अब हम। देखो देखो लाइट ऑन कर लेते हैं। इतना मजा आ रहा है। इतना अंधेरा लग रहा है। रियल में देखे तो बड़ा ज्यादा अंधेरा है। आपको फिल्म में देखा पहले। हाँ रियल में इसके बाद कांगड़ा फोर्ट आएगा। हम जाएंगे रजी देखते हैं। ये देखो कितना अच्छा व्यू आ रहा है। अच्छा हाँ हाँ चलते हैं वहाँ पे चलते हैं किले में। हम कांगड़ा फोर्ट की ओर जा रहे हैं। पुराना कांगड़ा दैट इज अ पुराना कांगड़ा। चल ऊपर से ना जो साइड में जाना है ऊपर से। कितनी खड़ी कितनी एकदम से स्टीप वाली चढ़ाई है। फर्स्ट गियर डाल लो डैड जी अभी। वाओ कितना अच्छा व्यू आ रहा है। नीचे पानी है। चलो उतरो फिर यहाँ से टिकट लेनी पड़ेगी फिर मैं गाड़ी साइड में पार्क करके आता हूँ। चलो 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 रही। आप छुए थे। हम कांगड़ा फोर्ट में आए हैं। टिकट कट चुकी है। चुकी है। हाँ नहीं 15 साल के नीचे के बच्चों की नहीं लगती है। और मास्क वास्क लगाने पड़ेंगे आपको एंट्री लेने के लिए यहाँ पे। और QR कोड स्कैन करके आप टिकट ले सकते हो। सो अभी जस्ट एंटर हुए ही हैं हम अंदर फोर्ट के। और वो है मेन द्वार जहाँ से हम एंटर नहीं द्वार तो बंद है बट वहाँ से लेफ्ट लेंगे हम इस साइड को फिर ऊपर जाएंगे। और टॉयलेट वगैरह यहाँ पे हैं। वॉशरूम अगर यूज़ करने उसके अलावा टिकट की बात करें तो ऑनलाइन आपको पे करना पड़ेगा। और पर हेड टिकट जो है वो 20 रुपीज है। 15 साल के नीचे के पर्सन की टिकट नहीं लगेगी। वो फ्री ऑफ कॉस्ट एंटर कर सकते हैं और आप पूरा एंजॉय कर सकते हैं। प्राचीन किला है ये। और मनिंदर सिंह जी काफ़ी उत्साहित हो रहे हैं अंदर जाने के लिए। इंटरेस्टिंग होगा। उसका नाम है रणजीत सिंह द्वार गेट। ये मेन द्वार है। यहाँ पे हम स्वागत करेंगे अब हम हमारी फैमिली का आने वाले। सबने नाम लिखे हुए हैं देख अपने अपने क्या फायदा। तो शुरू ही का स्वागत है कांगड़ा के इस विशाल किले में। आपका स्वागत करते हैं। राजाओं की तरह स्वागत किया जा रहा है। कितने 3500 साल पुराना है। और हिमाचल नहीं पंजाब से भी काफी लोग यहाँ पे घूमने आते हैं। बेसिकली ये अट्रैक्शन पॉइंट है। नियर वाइज पड़ता है अब पंजाब से। ये देखो लड़के यंग लोग आए हुए हैं। ये भी लग रहा है मुझे कि शौकीन बंदे और यूट्यूबर लग रहे हैं भाई फेस ही मुझे ये कोई। चलो ओके इनका भाई का चैनल भी सब्सक्राइब करने का है। कौन सा चैनल आपका। चलो ठीक है हम हिमाचली। हम तो हिमाचली लोकल हैं। आप पंजाब से कहाँ से आए हो। पंजाब लुधियाना। सो लुधियाना से हैं भाई लोग। और इनका भी यूट्यूब पे चैनल है। भाई अपने चैनल का नाम बता दो। जट प्लेस। जट प्लेस का कांगड़ा फोर्ट में हम स्वागत करते हैं। और इनके चैनल को भी सब्सक्राइब करना। जो इनके सारे सब्सक्राइबर है ना वो हमें भी सब्सक्राइब करना। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ यार वो तो बताया नहीं चैनल कैसे सब्सक्राइब करेंगे। सो हमारा चैनल का नाम है संगेड़ा फैमिली ब्लॉग्स। सारे फैमिली के ब्लॉग्स होते हैं हमारे चैनल पर। जैसे कि फैमिली के साथ मैं घूमता रहता हूं जहां पे भी जाता हूं। डेली लाइफ के रूटीन के डेली ब्लॉग पोस्ट करते हैं। प्रमोशन करवा दी हमने। अब ये तो पता नहीं ये तो देख के पता चलेगा कि हमने करवा दी इनकी यहाँ इन्होंने हमारी करवा दी। बट चलो एक दूसरे का ऐसे साथ सपोर्ट होता है मिलजुल के ही काम आगे बढ़ता है। सो अच्छा लगा भाइयों आपसे बात करके। कीप एंजॉय कीप रॉकिंग है ना बाय। ये छोटी छोटी सी साथ में ना गुफाएं बनी हुई हैं। गुफाएं नहीं इट्स लाइक अ कैबिन कि हो सकता है जब ये दरबार बड़े बड़े किले चलते थे मीटिंग, मीटिंग, तो यहाँ मीटिंग नहीं किसी की ड्यूटी रहती होगी ऑफ कोर्स यहाँ पे
ड्यूटी देता होगा बंदा। तो आप बैठो फिर हम जाके आते हैं। सो काफी अच्छा यार, जैसे फिल्मों में टीवी में देखते थे ना हम, वैसे वाली फीलिंग और वैसे वाला सब कुछ देखने को हमें मिल रहा है। देखो है ना, ऐसा ही होता था ना फिल्मों में टीवी में, जब हम टीवी में देखते थे तो बड़े बड़े ऐसी जगह पता क्यों बनाई जाती थी ऐसी जगह इसलिए बनाई जाती थी ताकि यहाँ से देखा जा सके और दूर तक नजर रखी जा सके। और ये तीसरा दरवाजा अभी हम क्रॉस कर रहे हैं जिसका नाम है अमीरी द गेट। दीवारों का डिजाइन कुछ इस तरीके से है कि बीच में ऐसी ऐसी चीजें बनाई गई हैं। इसका पर्पस क्या बनाने का वो तो मैं शायद नहीं बता सकता, बट पता करना पड़ेगा। नीचे आ जा। तो किसी ने अगर पुराने समय के किलों का बनावट देखनी है या वहाँ का फील लेना है कि बनावट कैसे होती थी या कैसे रहा करते थे, बिल्डिंग के डिजाइन कैसे हुआ करते थे, तो यहाँ के आप पूरा अच्छे से फील ले सकते हो। और बाहर देखो आप, दूर दूर तक बड़ी बड़ी पहाड़ियां हैं। और उस साइड से आए थे हम, वो जो सड़क, वो उस साइड जो बस जा रही है अभी वहां दिख रही है, वहां से आए थे। मेरी सांस भी फूल चुकी है। दूर आगे मम्मी और रिम्पी थोड़ा रेस्ट कर रहे हैं, ब्रेक लेके ही वो ऊपर जा पाएंगे। वैसे तो हमारे नूरपुर में भी किला है, अगर आपको बहुत ज्यादा कुछ नहीं देखना तो नूरपुर में भी आपको काफी कुछ देखने को मिल जाएगा। फोटो खींचते हैं, इधर आ जाओ, यहाँ फोटो खींचते हैं। यहाँ से देखो टॉप, मतलब यहाँ खड़े होके हर तरफ नजर रखी जा सकती थी। कितना अच्छा व्यू है ना यहाँ से भी। दीवारें देखो कितनी कितनी बड़ी उस टाइम पे भी बना दी जाती थी, और पत्थर बनाई गई दीवारें हैं, बनावट भी डिफरेंट टाइप की होती थी। ये वाली लोकेशन देखो एकदम टॉप पे है। यहाँ से हम इस साइड से आए थे तो ऐसे ऐसे आते हुए यहाँ पहुँचे हैं अभी। मैंडी यहीं पे था, कहाँ गया वो? सो एकदम ना ऑसम वाला व्यू है। पीछे देखो उस साइड से आए थे, यहाँ से टिकट ली, फिर ऐसे घूमते हुए जा रहे हैं, अभी ऊपर जाएंगे। अल्टीमेट व्यू है। और प्राचीन अगर आपको कंस्ट्रक्शन या किले कैसे हुआ करते थे वो अगर आपको देखने हैं, वैसा फील लेना है पूरा मन बना के, यू मस्ट विजिट हियर। आपको यहाँ आना ही होगा। और वीडियो में देख के तो आपको और भी खूबसूरत दिख रहा होगा, क्योंकि यहाँ देखो नीचे पानी, ये खड्ड है पूरी ऊपर से आती हुई, वहाँ से हमने पुल क्रॉस किया था और इस साइड को एंटर हुए थे। तो रिम्पी भी ऊपर आ चुकी है, फोटो सेशन स्टार्ट हो चुका है। एंड इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि अगर आप बगलामुखी में आए हुए हैं, बगलामुखी अगर माथा टेकने आए हुए हैं, तो वहां से कांगड़ा 25 किलोमीटर दूरी के ऊपर पड़ता है। तो ये थोड़ी सी दूरी पर ही आके यहाँ पे आप रानीताल से थोड़ी सी दूरी के ऊपर ही फिर आगे आपको ये दिखना स्टार्ट हो जाएगा, फोर्ट दिखना स्टार्ट हो जाएगा। आप फोर्ट के ऊपर आ सकते हो और बच्चों को, फैमिली को, यहाँ पे देखो फैमिली वाले भी हैं, सब तरह के लोग यहाँ पे आके घूमते हैं और इंजॉय करते हैं। मजा आ रहा है घूमने का। अंधेरी गेट है, अंधेरी दरवाजा। आ जाओ नीचे आ जाओ बेटा। तो ये देखा जाए अगर ना कैसी बनावट हुआ करती थी, कितने बड़े बड़े पत्थर थे, इनको काटा जाता था और इतनी मात्रा में पत्थर, सीमेंट उस टाइम पे भी होता था तो सीमेंट से बनाए गए हैं, इनकी चिनाई जो है सीमेंट के साथ की गई है। और ये तो कुछ लेटेस्ट वाली कंस्ट्रक्शन है, वॉशरूम्स वगैरह बनाए गए हैं यहाँ पे, ताकि जो पर्यटक यहाँ पे आते हैं उनको किसी असुविधा का सामना ना करना पड़े और सफाई भी मेंटेन रहे, गंद ना फैले इधर उधर। ऐसे भी कमाल का व्यू है, क्योंकि आज तो मौसम भी, वेदर भी क्लीन है, तो काफ़ी अच्छा। वहाँ देखो एक रोड जा रही है, वो घोड़े वाला कुछ लेके जा रहा है। एंड इसके अलावा यार, अगर आपके पास ऑप्शन है वर्क फ्रॉम होम का और वर्क फ्रॉम माउंटेन्स का, तो ये डेस्टिनेशन भी आपके लिए बहुत अच्छी हो सकती है। आप यहाँ कहीं आसपास में अपना कहीं होटल में कमरा बुक करके जब चाहे यहाँ पे इंजॉय करने के लिए, कूल रिलैक्स होने के लिए आप यहाँ पे आ सकते हो। यहाँ पे दर्शनी दरवाजा, गंगा एंड यमुना दरवाजा इसका नाम रखा गया है। तो दर्शनी दरवाजा में रणधीर कौर जी आपका स्वागत है, महेश्मति साम्राज्य जैसे वो है ना, उसमें दिखाए गए हैं सीन, वैसी चीज सारी चीजें हम यहाँ लाइव देख रहे हैं अभी। देखो ये है मेन एंड पॉइंट बोल सकते हैं इसको, या फिर जहाँ पे आके अगर फोर्ट देखने का आपका मन है या इच्छा है, यहाँ के बाद देखने के बाद आपकी खत्म हो जाएगी। अच्छा आपने शॉर्टकट ले लिया इधर से, आ जाओ इधर ही है देखने वाला ये जो है बस। हाँ इस साइड से काफी अच्छा दिखेगा उस साइड का। वाओ यार ऑसम, यहाँ से देखो यहाँ पे बुलाता हूँ मैं इनको एक एक करके, और फोटो सेशन होना तो यहाँ पे ज़रूर बनता ही है। बल क्या ना आराम से वहाँ से खुद पकड़ के क्रॉस करो ना, ऐसे मत
छोड़ना, तू आ जा इधर आ जाओ। यहाँ देखो कितना मस्त व्यू है, एकदम तुम जैसे आसमान में आ चुके हैं हम। बस कितनी छोटी सी दिख रही है यहाँ से, ये हाँ वहाँ से आइए, ये यहाँ से ऐसे ऐसे होते होते फिर यहाँ 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 पहुँच चुकी। बस यहीं पे रुक जाओ, यहाँ पे रुक के एक फोटो लेते हैं, यहाँ बैक साइड अच्छा है। श्री आदित्यनाथ जैन मंदिर, अंबिका देवी का टेंपल है ये, और यहाँ से मेन द्वार उस साइड से भी बल्कि है। हाँ जी, देखो कितना प्राचीन मंदिर है, इसकी बनावट मतलब कितने सालों साल पहले हुई होगी। सो गाइज, जैसा कि हम टीवी में देखते थे ना, कोई ऐसी मूवी चली होती थी जिसमें पुरानी चीज़ें बताई गई हों या पुराना इतिहास बताया गया हो, और उसमें जो हम देखते थे पुराने मंदिर पुराने किले, और उसको देखते देखते एक फील आता था और हम सोचते थे कि हम भी काश वैसे वाली लाइफ जी पाते या वैसा देख पाते वो पुरानी चीज़ें। सो आज यहाँ के वैसे वाला फील जो आता था वो खुद महसूस कर लिया, और बहुत अच्छा भी लगा और एक सुकून भी मिला, और पुरानी चीज़ों से रूबरू हुए। यहाँ की दीवारें या फिर यहाँ की जो बनावट है वो कहीं ना कहीं हमारे हमें पुराने समय जो हजारों वर्ष पहले यहाँ हो चुका है, यहाँ पे प्रजा रहती होगी, राजा महाराजा रहते होंगे, वो वहाँ पे हमें लेके चला गया, तो बहुत अच्छा लगा। सो अभी हमारे साथ जुड़ चुके हैं यहाँ के मंदिर जो रखरखाव यहाँ का देखते हैं। सो उनसे जानते हैं कि ये अंबिका मंदिर है, अंबिका मंदिर है, और इस साइड जो है साथ में जो जालंधर आदेश्वर भगवान जी, आदेश्वर भगवान जी। सो इनके बारे में कुछ हिस्ट्री के बारे में बताएंगे। राजा की लड़की ने ही जालंधर को अपनाया था। अच्छा, राजा की लड़की ने क्या अपनाया? जैन धर्म को, जैन धर्म को अपनाया था, इसीलिए बाहर लिखा हुआ है जैन धर्म। ये वाला मंदिर, तो ये वाला मंदिर जो है, ये इसके कपाट जो है वो बंद रहते हैं? नहीं, आरती के समय खुलते हैं। आरती के समय खुलते हैं, शाम को ये खुलेंगे। जैन लोग धर्म का आदमी हो तो तब आते हैं, मतलब उन्होंने अगर अपने हिसाब से कोई पूजा तब खोलेंगे करवानी हो तो। मतलब राजा की जो बेटी थी उन्होंने जैन धर्म अपनाया था और उनके लिए एक अलग से मंदिर बनवा दिया था, ये हिस्ट्री है। तो धन्यवाद पुजारी जी, आपने बहुत ही बहुमूल्य जानकारी दी। आप नाम बता देंगे आप अपना? हरवंश कुमार। आप यहीं के रहने वाले हो, कांगड़ा के? ठीक है जी, बहुत बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके और ये टेंपल घूम के। तो अब हम ऊपर की ओर जा रहे हैं, और जो रास्ते में हमने अच्छे अच्छे दृश्य देखे उनका मैं एक सिनेमैटिक क्लिप बनाया है 30 सेकेंड का, वो आप पहले देख लो। मैंडी ऊपर आ जाओ। और ऐसा बताया जाता है कि इस जगह पर सभाएं लगती थी जहां से राजा साहब सभा को जनता को संबोधित करते थे। और ये है यहां की टॉप मोस्ट पॉइंट, इसके ऊपर कुछ भी नहीं है, बस यहां से दूर दूर तक पहाड़ दिखते हैं। औसम नज़ारा है यहां से, आप ये देखो तो नीचे बिल्कुल खाई है और नीचे खड्ड जो मैंने बताई जिस साइड से हम आए थे वो आप यहां से इस साइड से कनेक्ट करती है। तो पहले हम वहाँ पे थे, अब हम यहाँ पे आ चुके हैं। वहाँ से मैंने ये लोकेशन बताई थी आपको, और इसके ऊपर अब कुछ भी नहीं है, ये टॉप मोस्ट लोकेशन है। यहाँ पे हम थोड़ा एक पोज वोज लेंगे और फिर धीरे धीरे घर की ओर लौट जाएंगे। चलो देखो, जिया फोटोग्राफर के साथ फोटो सेशन चल रहा है अभी यहाँ पे। अच्छी लोकेशन चुनी है, वैसे फोटोज अच्छी आ रही हैं यहाँ पे। रुही?
वैसे यहाँ पे काफी शांति है ना, सिर्फ पानी का शोर सुनाई दे रहा है नीचे का बस, के अलावा ज्यादा रश भी नहीं है। मम्मी को मजा आ रही है। साइलेंट एरिया है, मतलब काफी शांत वातावरण है। घूमने का समय है सुबह 8 बजे से लेके सूरज ढलने, जब अंधेरा होना स्टार्ट हो जाए तो गेट बंद कर दिया जाता है और 20 रुपए पर हेड जो अडल्ट है, 15 साल से नीचे के बच्चों की टिकट नहीं लगती। मैंने तो पहले टिकट लेना स्टार्ट कर दिया था, बट मैंडी ने कहीं इंस्ट्रक्शन पढ़ ली कि 15 साल से नीचे जो बच्चे हैं उनका टिकट नहीं लगेगा, तो इसने बचा लिए कितने 30-60 रुपीज बता लिए, बचा लिए इसने 3 बच्चों के। इसने आखिर प्रमाण दे ही दिया कि थोड़ी बहुत सूझबूझ रखता है ये। आओ आओ जल्दी आओ कि किले में ही रहना है। मैंडी बचाया, फुल इंटरटेनमेंट। सो वैसा ही फील हो रहा है जैसे पुराने समय में राजा महाराजा से मिलकर कोई आता होगा। महारानी अपने महल से बाहर निकल चुकी है, सो सभी अब बाहर आ चुके हैं। चलो चलो चलो, कुछ कुछ चीजें जो थी ना वो बाहुबली के जो सीन बनाए गए हैं, क्रिएट किए गए, उनसे मेल खा रही थी। ऐसा लग रहा था कि हम महेश्वरी साम्राज्य का पूरा भ्रमण कर रहे हैं और वहां पे घूम रहे हैं। डी बोल रहा है इस साइड आ जाओ, पानी देख लिया इसने, कहीं पानी का चश्मा देख लिया। कहाँ है पानी? हाँ तो यहाँ पानी के लिए, यस वाओ कितना अच्छा है ना, यहाँ से देख, अंदर से देखें। मैं चलता हूँ तेरे साथ, इतने छोटे छोटे रूम बनाए गए हैं भाई, ये देखो। हाँ रुक, इसको कवर किया गया है, चाहे इसमें ना बड़ा होल हो सकता है। यहाँ पानी, पानी है इसमें भी, ये देख पानी है इसमें, इतना अच्छा बनाया गया ये देख। और यहाँ से मतलब हम इमेजिन भी नहीं कर सकते कि क्या कैसे किस पर्पज से ये यहाँ पे विंडो रखी होगी, फिर यहाँ से पानी लेते होंगे, यहाँ से लेते होंगे पानी क्या। एक विंडो इस साइड है, एक यहाँ पे है और एक यहाँ पे है। यहाँ पे बैठा के तू, यहाँ पे बैठ में तेरे को ऐसे कैप्चर करता हूँ। हाँ जी हाँ, ये तो यही था हमारा और हमारी फैमिली के साथ किला जो कि कांगड़ा में है हिमाचल प्रदेश में, उसका विजिट। हमने आपको सारी चीजें दिखा दी जो हमने देखी समझी और बताया भी आपको कि डिस्टेंस मुबारकपुर से कितना पड़ जाता है। तो ये देखो आप एक बार, आपको और दिखा देते हैं कि राजा महाराजा यहाँ बैठते होंगे, रहते होंगे, यहाँ पे आती होगी हेल्प के लिए, सपोर्ट के लिए। तो आप भी हमारी हेल्प और सपोर्ट कर सकते हो चैनल को सब्सक्राइब करके, बेल आइकन को प्रेस जरूर करें ताकि हमारे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिले सबसे पहले। सो यही था आज का ब्लॉग, मिलते हैं नए ब्लॉग में कल ही, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।